انت صباحا يا ابا بكر. انتم صباحا. आजकल दारू नदवा नहीं आ रहे हो, तुम्हारी कमी खलती है वहां? हाँ, मैं थोड़ा मसरूफ हूं, आप लोग खुद ही संभालें। ना मालूम अबू बकर को क्या हो चला है, अब ये हमारी मजलिसों में भी नहीं आते और ना ही ज्यादा लोगों से बात करते हैं। जरूर कोई गंभीर मसला है जो हमसे छुपा रहे हैं, वरना ये तो हमेशा आगे रहने वालों में से है। कैसे हो मेरे भांजे उमर? मैं खैरियत से हूँ, जब तक मेरे सारे मामा खैरियत से हैं तो फिर हमारे साथ चलो, या तुम भी कहीं मसरूफ हो? मैं भी, मुझे मेरे लोगों से कोई दूर नहीं रख सकता। चलो चलो। अबाबक अस्मान कहाँ? मैं कौम की मजलिस में जा रहा हूँ। क्या कुछ नया होने वाला है वहाँ? नहीं, बस वो पुरानी बातें, अगर कुछ नया होता तो तुम्हें जरूर मालूम होता। क्या कोई बात है जहन में? अगर तुम मुझे बताना बेहतर समझो तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ, अगर मैं कहूँ वाकई कोई बात है जो हम सब के लिए बेहतर है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इस बारे में बताना चाहता हूँ, तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और तुम मेरे, लेकिन बात क्या है? आज मजलिस को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने भाई के बारे में क्या सोचते हो? कौन, आप? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो सबसे सच्चे और नेक दिल इंसान हैं। और हम सबसे ज्यादा सच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। हाँ वाकई, जैसा आपने कहा वो सादिकुल अमीन है, लेकिन आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? कुछ बताएंगे? हाँ बताऊंगा, लेकिन पहले एक वादा करो, तुम इसका जिक्र किसी और से नहीं करोगे। तुमने वाकई मुझे परेशानी में डाल दिया है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मुझे अब लगने लगा है जरूर कोई गंभीर मसला है। हाँ वाकई ऐसा है, सारे अरब में पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा जो सबकी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आएगा, दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी। आखिरत? ये आखिरत क्या है? आपके चचा के बेटे मोहम्मद कैसे हैं? अपने रब के फजल से वो बिल्कुल ठीक है। कौन रब? मैंने आपको आज उनके साथ पहाड़ी रास्ते पर देखा था, आप वहां क्या कर रहे थे मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। आप दोनों ने सजदे किए और फिर खड़े हो गए, और ये सजदे वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे हम अपने बुतों को करते हैं। जो आपने हमें करते देखा उसे नमाज कहते हैं वालिद साहब, जिसको अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हम पर फर्ज किया है। हाँ, आपके भतीजे मोहम्मद, बेशक अल्लाह की कसम वो नबी है और उन पर वही की जाती है जो कि अल्लाह का कलाम है यानी कुरान, और मैं उनके दीन पे चलता हूँ यानी इस्लाम। आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे बेटे, आओ बैठो और मुझे अपने इस दिन के मुतालिक और बताओ। बताओ इस दिन से मुराद क्या है? कहाँ जा रहे हो अम्मार? मुझे कुछ काम है अब्बाजी। तुम हमेशा कुछ ना कुछ काम का बहाना बनाकर चले जाते हो, और जब भी मैं पूछता हूँ मुझे कुछ भी नहीं बताते, मैं यहाँ अकेला रह जाता हूँ। ऐसा क्या काम करते हो जिसका मुझे इल्म नहीं? अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अबू अल हाकम इब्न हिशाम के घर जा रही हूँ, उनकी बीवी ने मुझे बुलाया है, शायद कुछ काम है। ये कहो कि उनको आपसे अपनी खिदमत करानी है, उनके खुद के भी तो नौकर हैं। उनका नौकर बीमार है और इसके अलावा बनू मखज़ूम हम पर हक रखते हैं। हाँ साथी हैं, गुलाम नहीं है, और वो आज भी आपसे गुलाम औरत की तरह ही व्यवहार करते हैं। उन्होंने आपको आजाद तो कर दिया, मेरे अब्बा से शादी भी करा दी, लेकिन वो आज भी हमको गुलाम ही समझते हैं। चुप हो जाओ अम्मार, तुम हमें ऐसी परेशानी में न डालो जिसका कोई हल नहीं है। उनके हम पे बहुत एहसान है। जानते हो जब मैं यमन से यहाँ आया था तो मखज़ूम कबीला ही था जिसने मुझे आसरा दिया और मेरी हिफाजत की और मुझे अपना साथी बनाया। अब मेरी रूह पर सिर्फ उन्हीं का ही हक है।
इस रूह का मालिक उसका बनाने वाला है। क्या कहा इसने? मेरे बेटे, वो आपको हक के रास्ते पर चलने के लिए बुला रहे हैं। आप हमेशा उनके साथ ही रहना, और जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो तब तक इस बारे में किसी और से जिक्र भी नहीं करना। आओ आओ उमर मेरे भांजे, कैसे हो? यहां बैठो। और तुम्हारे बाबा अल खत्ताब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा बताओ, आज कैसे आना हुआ? या कोई खास बात है? मैंने कुछ सुना है जो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे नहीं लगता आप इस बात से अनजान हैं। तुम्हारा मतलब मोहम्मद? अगर जो मैंने सुना है वो सही है, तब भी जब तक ये बात सबके सामने नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है वो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो चुपचाप अपना दीन फैला रहे हैं और उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं। अगर ऐसी बात थी तो पहले हमसे शुरुआत क्यों नहीं की? हम तो कुरैशी सरदार हैं। एक तरीके से उन्होंने सही किया, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले। मुझे लगता है हमें उनको सुनना चाहिए। क्या उसने तुम पर भी कोई जादू कर दिया है? जो भी हमने अपने पूर्वजों से सीखा है वो काफी है। इससे बुरा कुछ भी नहीं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों का दीन मिट्टी में मिला दिया, वो दीन जिसने हमें सारे अरब पर बादशाहत बख्शी। अगर वो नबी होने का दावा करते हैं और ये कह रहे हैं कि उस खुदा को जानने के लिए अपने नबी को जानो, तब भी हम ये कैसे मान लें कि बनी हाशिम हमारा सरदार हो सकता है और हम उसके मानने वाले? हद तो तब हो गई जब वो कहता है कि बनी हाशिम को नहीं, उस खुदा को मानो जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। क्या तुम हम लोगों में से नहीं हो सुमैया? जी, मेरा मतलब मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझ सकी सरदार। ये बड़ी समझदार औरत है, हमेशा सच सही जवाब देती है। बोलो, घबराओ नहीं, क्या तुम हम लोगों में से नहीं हो? जी बिल्कुल सरदार। बढ़िया, तो बताओ कौन है हम? और आप भी सरदार? तुम्हारी तरह? हाँ, और लोगों के अलग अलग रुतबे होते हैं सरदार। मेरा मतलब हम आपके मुवाली हैं, यानी हुक्म मानने वाले। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सुमैया बड़ी होशियार औरत है। हमारे भाई अबू हुदैफा ने इसे आजाद करके बहुत अच्छा किया और इसकी शादी यासिर अल हनफी से करा दी। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। अब तुम समझे भांजे, क्यों मोहम्मद लोगों को अपने दीन की तरफ बुला रहा है? ताकि इस बहाने वो नबूवत की आड़ लेकर हम सबके ऊपर राज कर सके। हमारे खुदाओं की कसम, अगर उसने हमसे थोड़ी भी उम्मीद रखी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सुमैया, आज हमारी तरफ से सबके लिए खाने का इंतजाम करो, कोई भी भूखा ना रह पाए। और हाँ, कंजूसी बिल्कुल मत करना। जो हुक्म सरदार। इकरिमा, हमारे सभी नौकरों से कहो कि वे लोगों को रात के खाने के लिए बुलाए और कोई भी राहगीर या फकीर भूखा ना रहे। देखता हूं वो कैसे लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। नबी के मिशन के 3 साल बाद। कैसी हो तुम औरतों में क्या कर रहे हो? अब तुम जवान हो गए हो। तो खबर पक्की है। तो तुम लोग ऐसे ही इबादत करते हो?
हमें पता चला था कि मोहम्मद ने हमारा दीन छोड़कर खुद का दीन अपना लिया है। जो मैंने अपने कानों से सुना था आज अपने सामने देख रहा हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम्हारी तो गिनती भी बढ़ती जा रही है और मैं आज तक गफलत में था कि ये कोरा मजाक है। देखो अबू सुफियान, मेरी बात सुनो। हमारा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। हम तो बस यहाँ खुदा की इबादत कर रहे थे और तुमने हमें ढूंढ लिया। हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमारे रसूल अल्लाह ने हमसे कहा है। रसूल अल्लाह, ये बस एक खुदा की मर्जी थी जो तुमने हमें यहाँ देखा। और अब मेरी मानो तो हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम हमसे ना पूछो कि हम क्या करते हैं। वाह वाह, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, वल्द इब्ने उम्मे अब, तू तो भेड़े चलाता है। उकबा इब्ने अबी मुवैद की, तो कुरैश के सरदार से ज़बान तराज़ी करेगा। अपनी औकात भूल गया। तुम हमसे मत पूछो हम क्या करते हैं और हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम हम क्या करते हो। तेरी ये मजाक। और तुम साथ, तुम भी इन लिंच लोगों का साथ दे रहे हो। तुम भी तो हम कुरैश के ज़ोहरा कबीले में से हो। तुम्हारा क्यों दिमाग खराब हो गया है? ये सब मुझसे बेहतर है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम इनसे ज्यादा गए गुजरे हो। जब तक हम तुम्हें तुम्हारी गलतियों का सबक न सिखाते तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें, मारो इन्हें। ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी, तुम्हें बताना पड़ेगा। आज हमने उन्हें उन्हीं के तरीके से सबक सिखा दिया। आज के बाद वो कभी हमसे नहीं मिलेंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? अबू सुफियान और उसके साथी। क्या कहा? अबू सुफियान और उसके साथी। अबू सुफियान और उसके साथी, ये तुमने क्या कर दिया बेटे? तुमसे किसने कहा था कुरैशियों से झगड़ा मोल लेने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? क्या तुम भूल गए हो कौन लोग हैं? जानता हूँ, हम कुरैशी कबीले से नहीं है बल्कि अंस कबीले से हैं और मखज़ूम कबीला हमारा साथी है। और मेरी माँ गुलाम औरत थी अबू हुदैफा की, कुछ भी नहीं भूला। और अगर मैं कुछ भूलने की भी कोशिश करता हूँ ना तो ये कुरैशी मुझे सब याद दिला देते। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बैठ जाइए अब्बा जी। और अम्मी आप भी बैठ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ये मैं क्या सुन रहा हूँ अबू सुफियान? क्या ये सच है कि? जी हाँ, वो बिल्कुल सच है। तो जब तुमने उन्हें पहाड़ी पर देखा तो करने देते जो वो कर रहे थे? तो आप क्या सब कुछ जानते हुए भी शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा कर बैठे रहेंगे अब्बा जी? आग को हवा मत दो हिंद। ठीक है, तो आप जानते हैं ये एक आग है जो एक चिंगारी से भड़की है, और अगर इसे हमने अभी ही नहीं बुझाया तो ये हमारे घरों को भी जला डालेगी। वो हमारे रिश्तेदार हैं हिंद, क्या हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? अगर उंगली में कोई जख्म हो जाए और उसे खुला छोड़ दिया जाए
समझदारी इसी में है कि उस होली को काट दिया जाए ताकि अपने आप को बचाया जा सके। अगर कोई निजी तौर पर अपना कुछ फैसला लेता है तो उससे हमें क्या लेना देना? मोहम्मद, अगर ये उनकी खुद की मर्जी थी तो वो किसी पहाड़ पे जाते और वहाँ अकेले बैठ के इबादत करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो तो अपने दीन को आम करने में लगे हुए हैं। अब लोग भी उनसे जुड़ने लगे हैं, कुछ को तो हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते। जितनों को मैं जानता हूँ उसमें है अबाबकर, उस्मान इब्न अफ्फान, उस्मान इब्न मज़ऊन, सअद इब्न अबी वक्कास, अब्द अर्रहमान इब्न औफ और बहुत सारे नीचे दर्जे के लोग। जो भी उनके साथ जुड़ रहा है वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, और लोग जितना उनसे जुड़ेंगे वो हमारे खिलाफ होते जाएंगे। जितना लोग उनसे जुड़ेंगे उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। लोग हमें मानते हैं क्योंकि हम अब्द शम्स कबीले वाले उन हाशिम कबीले वालों से दौलत में कहीं ज़्यादा आ गए हैं। मगर अब अबू तालिब का गोद लिया हुआ बेटा अगर ये नबुवत का ऐलान करेगा तो हम लोग उनसे काफ़ी पीछे रह जाएंगे, तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन वो तो कभी अपने आप को अब्द शम्स कबीले से झगड़ा बंद करो। हम मोहम्मद के बारे में झगड़ा कर रहे हैं जबकि अभी तक उन्होंने हमारे साथ अपने उस दीन के बारे में बात भी नहीं की। अभी हम में से चंद ही लोग उनकी पैरवी करते हैं। मेरी नजर में अभी हमें उनसे बात करने में पहल नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनका ताल्लुक बनू हाशिम कबीले से है, लेकिन हम दोनों कबीले ही अब्दुल मनाफ की औलादे हैं। तो आपका कहना है कि आप मोहम्मद को ऐसे ही जाने देंगे जब तक कि वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा ना बन जाए? हाँ, जब तक तो नहीं जब तक वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में सारे कुरैशी कबीले मिलकर उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। ऐसी सूरत में हम बनू हाशिम कबीले वालों से पूछेंगे, या तो वो मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें फिर हम जो चाहें उनका वो करें, या फिर वो उनकी हिफाजत के लिए सामने आए। और अगर वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं तो सारे कुरैशी कबीले उन्हें छोड़कर हमारे साथ हो लेंगे और अब्दू शम्स कबीले को सरदारी मिल जाएगी। सब्र से काम लो, नबूवत का ये ऐलान हमारे लिए या तो बहुत घाटे का सौदा होगा या बहुत फायदे का। देखना ये है कि हम कैसे तदबीर करते हैं। मेरा कहना तो ये है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। खुदा की कसम, बड़ा ही खूबसूरत कलाम है ये, किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों पर पट्टियां बंधी थी और अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हम सब एक खुदा की मखलूकात हैं, एक खुदा जिसने हम सबको एक जोड़े से पैदा किया। वो एक खुदा जो हमें बराबरी का हक देता है, तख्लीक हुकूक और फराइज में भी। दौलत और बराबरी कोई फक्र करने की चीज नहीं। लेकिन अबू सुफियान और उसके परिवार वालों ने जो सलूक साद बिन अबी वक्कास के होते हुए आप लोगों के साथ किया, तो सोचो वो हमारा क्या हाल करेंगे अगर हमने उनके बताए तरीकों को छोड़कर नबी की इब्तदा करनी शुरू कर दी तो। अम्मार के अब्बू, जब आपको सच्चाई का पता चल ही गया है जैसा कि हमारे नबी ने बताया, तो अब आपको किसका डर है? हमारे साथी यानी मखज़ूम कबीले वालों का, या उनके खुदाओं का, या हमारे और आपके सरदारों का? हाँ, ये सच है कि मैं अबू हुदैफा के यहाँ गुलाम औरत थी। वो बड़े ही नेक दिल और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया और आपके साथ मेरा ब्याह भी करा दिया। लेकिन कुरैश की औरतें आज भी मुझे एक गुलाम की तरह ही मानती हैं। जब भी वो मुझे देखती हैं तो बस यही बोलती हैं कि वो देखो अबू हुदैफा की गुलाम औरत। अगर कोई मुझे अपने पास बुलाता भी है तो सिर्फ अपनी खिदमत कराने के लिए। उन्होंने कभी भी मुझे अपने पास बैठने का मौका नहीं दिया, मगर आज मुझे पता लग चुका है कि मैं किसी की गुलाम नहीं। मेरा मालिक बस वो एक अल्लाह है। अम्मार, मुझे नबी के पास ले चलो ताकि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ। और अगर तुम्हारे अब्बा नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आगे भी उनकी ऐसी खिदमत करूँगी जैसे पहले करती आई हूँ।
दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। लेकिन मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता, तेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है, तू वो करेगा जो मैं चाहता हूँ। जा लड़के दिखा। मुझे लगता है खा खा कर तेरी खाल गेंडे जैसी हो गई है और दिल चिड़िया जैसा। भाग जा यहाँ से, अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। तुम आज बहुत अच्छे लड़े। नहीं, मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा। मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ मत आना। तुम्हें किसका डर है, अपने मालिक का या लोगों का? मुझे अपने लिए डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे लिए लगता है। आज तुम्हारे मालिक तुमसे बहुत खुश होंगे क्योंकि तुमने सभी लोगों को हरा दिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक गुलाम औरत एक गुलाम मर्द से मिले तो। हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे एक जानवर दूसरे जानवर से मिलता है। आज तुम अपने मालिक के पास जाओ और उनसे हमारे लिए बात करो। अरबी लोग तो हमेशा से ही आपस में गुलाम मर्द और औरतों की। अभी सही वक्त नहीं आया है। तो कब सही वक्त आएगा? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और तुम उससे बहस भी मत करो। मुझे लगा कम से कम आज तो तुम मेरे से खुश होकर बात कर लोगे। रैहाना, तुम तो मेरे जज्बातों को समझती हो। अल्लाह की कसम, मैं कल की जगह आज तुम्हें अपनी बीवी बनाना पसंद करूंगा। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी और की गुलामी करे। मैं पहले अपनी आजादी चाहता हूं। क्या एक जानवर किसी के प्यार में पड़ के बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं ना, बल्कि उसे तो और जानवरों के पास लाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवर पैदा हो सके। तो मैं गुलामों की संख्या बढ़ा दूं? क्या तुम्हें आज भी लगता है कि जुबैर इब्ने मुतैम तुम्हें आजाद कर देगा? शायद। तुम कौन से दुनिया में जी रहे हो वाशी, मुझे पता नहीं। तुम ऐसी चीज की उम्मीद कर रहे हो जो शायद कभी नहीं होने वाली। जैसा अरब कहते हैं, इंसान मायूस होकर भी जी लेता है। मेरे लिए एक और रास्ता बचा है और वो है मौत का रास्ता।
بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. جلدي چلو، محمد نے اپنے لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ اپنی باتوں کو عام کر سکے. جس کام کی آج تک صرف ہم خبریں سنا کرتے تھے وہ آج ایک حقیقت اختیار کرنے جا رہی ہے، ایک ایسی حقیقت جو محض عام خبر ہرگز نہیں ہے. ایک ایسی حقیقت جو محض عام خبر ہرگز نہیں ہے. یا بنی ہاشم، آپ سب نے میرے بھتیجے یعنی محمد کو تو سنا ہے، جن کے بارے میں آپ سب گواہ ہیں کہ وہ صادق الامین ہیں. جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ ان کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو ہم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو سب نے کہا ہاں ہم یقین رکھتے ہیں، انہیں کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. پھر انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ بھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے رسول ہیں. اب تم لوگ ہی اس کا فیصلہ کرو. ایسے میں نے آج اس لیے آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، وہ ابھی اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور اس کے دلائل بھی دیں گے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہمارے کانوں پر آ پڑی ہے جس کا قریش کی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے. میں آج یہاں غصے سے بھرے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، اور ایسے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں جن کی نیتوں پر شک ہو رہا ہے. جہاں تک میرا سوال ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے بھتیجے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. جو میں نے ان سے کہا تھا جائیں اور وہ کریں جس کا حکم ربی ہوا ہے. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا کیا کہنا ہے. یہ آدمی بہت شریر ہے، میں نے کہا یہ آدمی بہت شریر ہے اور یہی کہتا رہوں گا. بنی ہاشم کے لوگوں میری بات سنو، میں بھی ان کا چچا ہوں. واللہ میں نے آج تک ایسا کوئی فرد نہیں دیکھا جو اپنے ہی لوگوں کو ایسی مشکل میں ڈال دے جیسی مشکل میں محمد ہمیں ڈالنے والا ہے. اس نے اپنے ہی لوگوں کے دین کو غلط کہا ہے اور ہمارے خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس وقت تم لوگ کیا کرو گے جب تمام عرب کے لوگ کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بہتر یہی ہوگا کہ ہم محمد کا ساتھ چھوڑ دیں. سارے عرب سے دشمنی لینے سے اچھا یہی بہتر ہے. نہیں، اللہ کی قسم ہم تب تک ان کی حفاظت کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. کہ لوگوں آپ نے مجھے بھی سنا اور اس کو بھی، اب آپ ہی فیصلہ کریں. آپ ہمارے سردار اور سب سے بڑے ہیں ابو طالب، ہم سب آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں. ہاں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم ان کی حفاظت میں آپ کے ساتھ ہیں. تو ٹھیک ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں ان کے دین کے بارے میں؟ بالکل وہی جو آپ کو سوچنا چاہیے، جو قریش کے ہر فرد کو سوچنا چاہیے، جو کوئی بھی سب کو خوش اور ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اور جس کو رشتہ داروں کے آپس میں لڑائی جھگڑے بالکل بھی پسند نہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف ہونا ناپسند ہے. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں سوچیں گے تو سارے عرب مل کر ہمیں نوچ کھائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ مجھے پورا یقین ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں جو چند لوگ مانگ لیں گے اور چند لوگ ٹھکرا دیں گے؟ ہم حرم کے نگہبان لوگوں میں سے ہیں زید، ان کے نزدیک ہماری اطاعت کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے، اور باقی عرب اس حرم کی وجہ سے ہماری عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی ہماری خواہشوں کے خلاف جانے کی سوچے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کے خلاف جا رہا ہے.
और तिजारत का क्या उमर? हरम और तिजारत, उन्हीं की वजह से कुरेश को मुकाम हासिल है। बिल्कुल, दोनों चीजों से कुरेश को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि खुदा ने कुरेश को मुकाम दिया है कि हम खादी में हरम हैं और तिजारत से हम उसके लिए वो माल लाते हैं जो उसको कायम रखने में हमारी मदद करता है और हमें मौका देता है कि हम यहाँ इबादत के लिए आने वालों की खूब देखभाल कर सकें। और फिर कुरेश इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं ताकि हरम की देखभाल हो सके, और इसीलिए खुदा ने हमें अपने मजहब और दौलत का अमीन बनाया है। इन्हीं दोनों की वजह से आज हम तमाम अरब पर बादशाहत कर रहे हैं। अब तुम भी बताओ, अरबों को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि कुरेशियों के अब आपस में ही झगड़े होने शुरू हो गए हैं? तो फिर कुछ लोग उठेंगे और कहेंगे कि कुरेश के मजहब की तो कोई हैसियत ही नहीं है, मतलब कुरेश कोई मुकद्दस कबीला ही नहीं है। ऐसी सूरत में लोग हमारे मजहब पर चलना छोड़ देंगे और लोग तो हमारे रस्म और रिवाज को भी मानने से इनकार कर देंगे। कुरेशियों की ऐसी हालत देखकर हमारे मजहब पर चलने वाले या तो फिर अपने घरों में ही इबादत करेंगे या फिर हरम पर कब्जे की नीयत से हमारे साथ जंग करेंगे और हमसे छीन लेंगे। ये है मेरी सोच, और मैं इस बात को यकीन तौर पर कहता हूं ताकि लोग इस बात को माने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। क्या बात है, वहां कुरेश के बड़े लोग मजलिस कर रहे हैं, आओ मेरे साथ चलो। दारुन नदवा में इस बात पर बात करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी जैसा आपने कहा, कुरेश के बड़े, मेरा वहां क्या काम? ये आप क्या कह रहे हैं, जानते हो ना कि वो किस लिए मिल रहे हैं? ताकि मोहम्मद और उनके टीम के बारे में बात कर सकें। वहां कुरेश के हर बड़े कबीले से लोग शामिल हो रहे हैं, क्या ये ठीक होगा कि बनू आदि भी शामिल ना हो? बनू आदि की तरफ से आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। लेकिन कुरेश भी जानते हैं और मैं भी कि आप मुझसे बेहतर साबित कदम, फासी, बहादुर और मोहतरम हैं। बस करें बस, मैं इन बातों में नहीं आने वाला। मैं बस ये चाहता हूं कि आप नहीं, रब्बे काबा की कसम मैं सच ही कह रहा हूं। इसमें बुराई क्या है कि मेरी जगह मेरा भाई मजलिस में जाए, और हमारे अब्बा अल-खत्ताब ने भी तो अपनी जगह मजलिस का नुमाइंदा आप ही को चुना है। बनू आदि कबीला इस बात की तस्लीम करते हैं और आपकी फैसलों की इज्जत करते हैं, और इस बात से कुरेश भी तो खुश हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, समझे तुम? जिसका काम उसी को साझे। और अगर आप इस मजलिस में जा रहे हैं तो ये काफ़ी होगा कि अल-खत्ताब ख़ानदान का एक बंदा इसमें हिस्सा ले, ताकि मजलिस में अच्छा हो या बुरा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही के कंधों पर आए। तुम लोग यहाँ खेल रहे हो जबकि अंदर सभी बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, मोहम्मद के बारे में। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे कि वो अपनी अकल से मसले हल कर दें, वरना हम अपनी तलवार से तो कर ही देंगे। उमर भी अब बड़ों की मजलिस में बैठने लगे हैं, हालांकि मुझसे छोटे हैं। उनके वालिद अल-खत्ताब ने उनके लिए जगह खाली की और बनू आदिम ने इसको मान लिया। गुस्से के थोड़े तेज हैं, लेकिन इस इज्जत के हकदार हैं। वैसे मैं और उमर रिश्तेदार भी हैं, इसलिए जरा देख के बात करना। खालिद ने ठीक ही कहा। तुमसे किसने कहा कि मैं उमर के बारे में कुछ बुरा बोलने वाला था? तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है, और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं। चलो उमर, ये शर्त मेरे और सफवान के बीच में लगा दो। दो दो ऊंट की शर्त रही। दो ऊंट एक काफी नहीं है क्या? भाई अगर तुम जीत गए तो मजा भी तो दोगुना हो जाएगा, और अगर हार गया तो दुख भी तो दोगुना होगा। अच्छा, तो अब सहरा के सबसे अमीर शख्स सफवान को गरीबी की फिक्र होने लगी, जबकि जना एक ऊंट ज़बह करवाते हैं। वो ऊंट तो सही काम में इस्तेमाल होता है। क्या कहा? तुम लोगों को खिलाते हो ताकि लोग तुम्हें लकब दें, सफवान इब्ने उमैया बड़ा मालदार है। भाई जो भी ऐसा कहता है ठीक ही तो कहता है। जानते भी हो लोग अम्र इब्ने आस के बारे में क्या कहते हैं? जब लोग किसी उलझन में पड़े हों और कोई रास्ता समझ ना आए तो सभी अम्र के पास आ जाते हैं। पता नहीं लोग तुम्हारी चालाकी की तारीफ करते हैं या तुम्हारी फरेबी को कोसते हैं। भाई मेरी तो समझ में नहीं आता।
नहीं नहीं, अगर फैसला उनके हक में जाता है तो लोग चालाकी की तारीफ करते हैं, और अगर उनके खिलाफ होता है तो मक्कारी को कोसते हैं। हाँ तो क्या कहते हो, दो ऊंट लगा दें शर्त पे? ठीक है लगा दो। तो मैं शुरू किससे करूं? सफवान से? ठीक है सफवान से। इसे गश्त पड़ने वाली है। अफसोस मेरे भाई, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे? भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बस तुम लोगों को खिला रहा हूं। कोई बात नहीं सफवान, तुम बहुत अमीर हो और तुम्हारे अब्बा भी। अगर तुम कुछ हार भी गए तो तुम्हारे अब्बा तुम्हारी मदद कर देंगे। भाई मेरे अब्बा के पास इतना माल नहीं है जितना तुम्हारे बाप अलवलीद अलमुगीरा के पास है। काफ़ी लोगों को कंगाल बना चुके हैं मक्का और ताइफ दोनों में। मैंने अल्लात और अलुस्सा की इबादत की थी यहाँ आने से पहले, और दोनों के नाम पर जानवर कुर्बान करके लोगों को भी खिलाए थे। शायद तुम्हारी आवाज़ उन तक पहुँची नहीं, वरना वो तुम्हारी मदद ज़रूर करते। या फिर हो सकता है तुमने सेहतमंद ऊँटनी कुर्बान ना की हो। अम्र तुम खेलना चाहोगे? ये सफवान अल्लाह तो रलुजा की इबादत करके यहाँ आया, जो कि उनके लिए पैसे और जानवर भी कुर्बान करता है, और फिर भी हार गया। तो फिर सोचो अल्लाह तो रुजा मेरे क्या हश्र करेंगे, जिसको उनके पास से गुजरे भी महीना हो गया और आज तक बस एक कमज़ोर सी बकरी उनके नाम पर कुर्बान की है। तुम्हें क्या हो गया अबू जंदल? क्या लगता है अबू जंदल बड़ों की बात सुनने में ज़्यादा मसरूफ़ है? जब सिर्फ उन्होंने एक खुदा को मानने की बात की और हमारे खुदा और बुतों को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर ये कैसे कह दें कि उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा? हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम अपने खुदाओं की वैसे ही हिफाजत करते रहें जैसे हम करते रहे, या फिर तुम मोहम्मद से डर कर अपने खुदा का दीन छोड़ दोगे? अबू अलवलीद, ऐसे मामलात में हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। देखो कुछ लोग अब हमारे दरमियान इस मजलिस में भी नहीं हैं। कहाँ है अबू बकर? कहाँ है उस्मान? कहाँ है अबू उबैदा? हमें सिर्फ उन लोगों का पता है जो हमारे बीच से गायब हैं, या वो लोग जो ये मानते हैं कि दीन मोहम्मद कबूल करके लोगों पर जाहिर कर दें।